जनपद लखीमपुर खीरी के नकहा ब्लॉक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बीजेपी नेता ने नाम वापसी के लिए दबाव बना रहे बीजेपी विधायक के ऊपर पिस्टल तान दी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया से नाम वापसी के अंतिम दिन दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि जिस समय चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा था उसी समय सदर विधायक योगेश वर्मा नकहा परिसर पहुंचे और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी कपिल वर्मा के समर्थन में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता से नाम वापसी का दबाव बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ गुस्से से उत्तेजित पवन गुप्ता के भाई संजय गुप्ता ने सदर विधायक योगेश वर्मा के ऊपर पिस्टल तान दी। इस मामले को लेकर विधायक योगेश वर्मा का कहना है कि वो इस मामले पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे और साथ ही मामले की तहरीर पुलिस में भी देंगे। यहाँ पर 3 बजे से चुनाव चिन्ह का आवंटन था और प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी का था। नाम वापसी के बिंदु पर दो पक्षों में आपस में कुछ विवाद हुआ, जैसे इसकी जानकारी मिली यहाँ तत्काल हमारे जो फोर्स के लोग अधिकारी थे वो भी बचा करके अलग किया गया और SDM सी लोग यहाँ पर आ गए हैं और हम लोगों को जानकारी मिली है तो हम लोग भी आ गए। पूरे घटनाक्रम की जाँच कराई जा रही है और इसमें जो लोग भी संलिप्त होंगे या जो लोग भी दोषी होंगे उन सब के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई। देखिए बताया ना कि दो पक्षों का विवाद है, चूँकि ये BDC का जो सदस्य है उससे संबंधित है वो तो दो व्यक्तिगत दो लोगों के बीच का विवाद है। जो भी है विवाद का है उसको तहकीकात की जाएगी, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक BDC की सीट पड़ती है बंजरिया की, बंजरिया पचकरवा कोरैया, वो लोग हमारे बहुत इतिहासी से जब वहाँ पे हमारी बहू चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई तब इन लोगों ने सबने मिल के मूड बनाया कि हम विधायक जी आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पर्चा वापसी कर लेंगे। आज वो सब लोग हमारे साथ में पर्चा वापसी के लिए आए। वहीं पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो पवन गुप्ता जी हैं जो अभी बसपा छोड़ के भाजपा में आए हैं, ये इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये किस दल में रहेंगे कब कौन सी पार्टी में रहेंगे इनका कोई दीन धर्म नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम केवल दलाली मक्कारी का इनका सभी पूरी जनता जानती है और जनता ने पूरा मूड बना लिया कि अब की उनको यहाँ से ब्लॉक प्रमुख की पद से हटाएंगे। उसी में जब ये लोग पर्चा वापसी के लिए आए तो उस पर्चा वापसी में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना करना किस तरीके से पर्चा वापसी होगी, पर्चा वापसी नहीं करने देंगे। ये लोग गुंडई पे उतर आए और इनके भाई संजय गुप्ता ने असलहे निकाल लिए, फायर करने की कोशिश की तो जनता ने उनको दौड़ा लिया। अब मैं अपनी ब्लॉक के अंदर अपनी विधानसभा के अंदर इस तरीके की कोई भी गुंडई और कोई किसी तरीके की बर्दाश्त मैं नहीं करूँगा। अगर इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, मैं तो उस समय दूर बैठा हुआ था, अगर इन्होंने इस तरीके की हरकत की है तो इसके खिलाफ मैं बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कोशिश करूँगा। पंचायत चुनाव में असलहे जमा है, ये असलहा इनके पास कहाँ? अब ये असलहा हो सकता है कि इनके पास में 2-3 असलहे नाजायज असलहे रखे हुए हैं, हो सकता है उन्हीं नाजायज असलहों में से उन्होंने अपना मेन असलहा जमा कर दिया। ये तो जाँच के बाद में मालूम चलेगा कि कौन सा असलहा इनके पास में था, इनका जमा है असलहा कि नहीं जमा है असलहा। जी पंचायत चुनाव में जो ये गड़बड़ी हुई है इसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपके कॉलर पे हाथ डाला गया जबकि पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी थी, क्या कहेंगे? असल में भीड़ में उस टाइम पे कौन किसका कॉलर पकड़ ले इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ किसी एक व्यक्ति था शायद पवन गुप्ता का लड़का था जिसने हमारे ग्रेवान को पकड़ने की कोशिश की, तब तक हमारे साथ में जितने और लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। हाथी लग पाया था उससे पहले उसके ऊपर जो हमारे साथ के लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ लिया था। आपकी तरफ से FIR दर्ज करेंगे? अभी FIR दर्ज नहीं, अभी इस संबंध में बात करते हैं अभी शासन से ऊपर से और जैसा कुछ होगा मैं मुकदमा जरूर दर्ज करूंगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।